जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं समर धमाका ऑफर, जहां सिर्फ ₹1 डाउन पेमेंट पर आपको मिलेगी अपनी मनपसंद टू व्हीलर, साथ ही मिलेगा स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए एट शॉप नंबर 1 गिरिराज कॉम्प्लेक्स, जैन कॉलोनी, अपोजिट एससी स्टैंड, भिवंडी। गटर से लोहे का चैम्बर चोरी। भिवंडी पालिका परिक्षेत्र अंतर्गत प्रशासन द्वारा गटर के चैम्बरों पर सुरक्षा के लिए लोहे के जाली लगाई गई थी। इन लोहे की जालियों को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर भंगार दुकानदारों को बिक्री करने की शिकायत पालिका आयुक्त अजय वैद्य को प्राप्त हुई थी। इन्हीं शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए मनपा अधिकारी गश्त पर निकले थे। इस दरमियान कसमपुरा कब्रिस्तान के पास लोहे की जाली चोरी कर बिक्री करने की सूचना मिली। मनपा अधिकारियों ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर जाली चोरी करने वाले शख्स व जाली खरीदने वाले भंगार दुकानदार को पकड़ा। दोनों के पास से चोरी की जाली भी बरामद की। घटना स्थल पहुंची निजामपुर पुलिस ने चोर व जाली खरीदने वाले भंगार दुकानदार को हिरासत में लेकर किया मामला दर्ज। अवैध इमारत के मालिक पर मामला दर्ज। भिवंडी मनपा प्रभाग समिति क्रमांक 5 के चौथे निजामपुरा इलाके के पुराना मकान नंबर 30 को तोड़कर अवैध इमारत बनाए जाने की शिकायत सहायक आयुक्त बालाराम जाधव को प्राप्त हुई थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए बीट निरीक्षक सूरज गायकवाड़ को भेजकर उक्त स्थल का निरीक्षण कराया और निर्माणाधीन इमारत के मालिक मुस्तफा अंसारी को इमारत निर्माण संबंधी कागज पत्र कार्यालय में जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन इमारत बना रहे अंसारी ने कार्यालय में इमारत निर्माण संबंधी किसी प्रकार के कागज पत्र जमा नहीं किया, जिस पर मनपा अधिकारी ने इमारत को अवैध घोषित कर निजामपुरा पुलिस स्टेशन में मकान मालिक मुस्तफा के खिलाफ MRTP के तहत मामला दर्ज कराया। अवैध होल्डिंग पर मनपा की कार्रवाई। मुंबई होल्डिंग हादसे के बाद भिवंडी पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने ऐसे तमाम जगहों की जांच कर अवैध रूप से लगाए गए फ्रेम निकालने के लिए सभी प्रभाग अधिकारियों को आदेश दिए थे। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक 5 के अधिकारी को कासार अली सुभाष गार्डन के पास मालमत्ता क्रमांक 204 पर अवैध होल्डिंग फ्रेम लगाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए उन्होंने अतिक्रमण टीम के साथ होल्डिंग साइट की जांच किया और इमारत की दीवार पर बिना अनुमति लगाई गई लोहे की होल्डिंग फ्रेम निकालने के कार्य शुरू कराया और अधिकारी ने कहा कि दुकानदार ने प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली, जल्द ही दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चोर मोबाइल फोन छीन कर हुआ फरार। भिवंडी शहर व आसपास ग्रामीण परिसर में छिनौती व वाहन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वहीं एक बार फिर देर रात परोल रोड खोने गांव तालाब के पास से जा रहे अमीर अहमद साथी अहमद शेख को जबरन रोककर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों ने नकदी व मोबाइल फोन कुल ₹12,000 कीमत के मुद्देमाल छीन कर फरार हो गए। निजामपुरा पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर दो अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी व लूट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रही है। चोरों की तलाश जारी। भिवंडी भाजपा द्वारा अवहट के फोटो पर जूते मारो आंदोलन। स्कूली पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने का विरोध करने महाडा गए एनसीपी शरद चंद्र पवार गट नेता जितेंद्र अवहट ने विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर फाड़ दी थी। इसी क्रम में भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं आज गुरुवार सुबह ही भिवंडी शहर भाजपा अध्यक्ष एडवोकेट हर्षल पाटिल के नेतृत्व में बीजेपी शहर कार्यालय के सामने एनसीपी नेता जितेंद्र अवहट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके फोटो पर जूते मारकर अपना गुस्सा जाहिर किया। बीजेपी पदाधिकारियों ने नाला सफाई का लिया जायजा। मानसून का मौसम नजदीक होने के बावजूद भी भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र में नालों की सफाई का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में मानसून के मौसम में निचले इलाकों में पानी घुसने की संभावना ज्यादा है, जिसे देखते हुए भिवंडी शहर भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष व वरिष्ठ नगर सेवक संतोष शेट्टी ने प्रभाग समिति क्रमांक 3 अंतर्गत चल रहे नाला सफाई कार्य का जायजा किया और पालिका कर्मचारी व ठेकेदार को 2 दिनों के भीतर कचरा हटाने के निर्देश दिए। गम बूट व हैंड ग्लास के बिना जान जोखिम में डालकर कर्मचारी कर रहे हैं नालों की सफाई।
भिवंडी मनपा क्षेत्र में नाली सफाई का मुद्दा हर साल चर्चा में रहता है। इस साल भी जब मानसून को कुछ ही दिन बचे हैं, इसके बावजूद भी नाली सफाई का काम धीमी गति से चल रहा है। 44,565 मीटर नाली सफाई के लिए 2,22,36,496 रुपए में ठेका दिया है। नाला सफाई में कार्यरत मजदूर अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर गमबूट हैंड ग्लास के बिना ही सफाई के कार्य में जुटे हुए हैं। ठेकेदार के वर्क ऑर्डर के नियम शर्ती के अनुसार नालियों में उतरने वाले हर एक मजदूर को गम बूट व हैंड ग्लास सहित अन्य जीवन रक्षक किट उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन ठेकेदार द्वारा नियम शर्ती का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे ठेकेदार पर शहर के दक्ष नागरिकों ने कार्रवाई करने की मांग पालिका आयुक्त से की है। मनुस्मृति का एडवोकेट किरण चुन्ने ने किया विरोध। भिवंडी एडवोकेट किरण चुन्ने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 दिसंबर 1947 को मनुस्मृति का दहन किया क्योंकि ये बुक एक इंसान में दूसरे इंसान के प्रति नफरत पैदा करती है और जाति व्यवस्था व धर्म व्यवस्था को बढ़ावा देती है और लड़कियों को अधिकार देने से इनकार करती है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1947 को मनुस्मृति का दहन किया था, लेकिन आज की मौजूदा सरकार बीजेपी में मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव लाई है, जिसके विरोध में आज भिवंडी एडवोकेट किरण चुन्ने ने मनुस्मृति का विरोध किया। कुरान की बेदबी करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी टीम ने एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस्लाम की पवित्र किताब कुरान पर जूता रखा और कुरान के पन्ने फाड़ दिए, साथ ही जलाया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और देश भर का माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसको लेकर आज AIMIM भिवंडी टीम ने परंत ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया और उसके अंदर मांग की कि ये लड़के के ऊपर केस होना चाहिए और जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। आज सेंसेक्स 75 अंकों की बढ़त के साथ 73,961 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 42 अंकों की बढ़त के साथ 22,530 पर हुआ बंद। गोल्ड 71,900 पर हुआ ट्रेड। सिल्वर 92,430 और क्रूड ऑयल 6,460 पर ट्रेड करते हुए।